अस्सलाम वालेकुम क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब जो रेफरेंस बुक है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है, कोहेन्स वर्डलिक की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड असेसमेंट की बुक है। सॉरी अच्छा जी, उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाई डू वी नीड स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हमारे सोशल साइंसेज में जो रिसर्च डेटा का हम एनालिसिस करते हैं उसमें स्टेटिस्टिक्स जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नीड होती है हमारी। इसीलिए आपके एमएससी के कोर्स में स्टेटिस्टिक्स को पढ़ाया भी जाता है अलग से एज अ सब्जेक्ट। अब ये जो हम स्टेटिस्टिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, दिस इज नॉट इन एनी वे इक्वल टू जो आप स्टेटिस्टिक्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जब भी आपने स्टैट्स के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना होगा ऑफकोर्स आप उसी मटीरियल पर रिलाई करेंगे, बट यहाँ हम आगे टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करने से पहले जस्ट एज अ रिफ्रेशर हम इन कॉन्सेप्ट्स से गो थ्रू करेंगे। अब जब रिसर्च डेटा हमारे पास नंबर्स की शक्ल में मौजूद होता है तो उससे हमें क्या होता है कि जितने भी हमने ऑब्जर्वेशंस किए हैं जब उनको नंबर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है तो उनकी एक समरी बनाने में, उनको समझने में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। उसके बाद ये तो हो गया कि हम डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने डाटा को, उसके लिए भी हमें स्टैट्स की नीड पर जरूरत होती है। और उसके अलावा जब हम उससे कुछ नतीजे निकालते हैं, उस डाटा से डिस्क्राइब करने के साथ साथ उससे कुछ नतीजे, कुछ कंक्लूजन्स हम निकाल रहे हैं, डिडक्शंस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ऑफकोर्स वी डू नीड स्टेटिस्टिक्स। अच्छा, देन हम एक कमिंग चैप्टर्स में हम एक प्रोसेस, स्टेटिस्टिकल प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे वो होगा फैक्टर एनालिसिस। जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट एक डेवलप करते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसमें कौन कौन से आइटम्स ऐसे हैं जो किसी एक ही फैक्टर को, किसी एक ही थीम को मुयर कर रहे हैं। तो उसके लिए हम कहते हैं टू फाइंड आउट दो फैक्टर्स फ्रॉम अ क्वेश्चनर आइटम्स, हम उसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है, कि कितने फैक्टर्स हैं उसमें, देन हमें एक आइडिया हो जाता है कि क्या स्ट्रक्चर है इस फैक्टर्स का इस रिसर्च क्वेश्चनायर में। देन हम सेकंड जो प्रोसेस करते हैं वो होता है कंफर्मेटरी डेटा एनालिसिस। यानी अब कंफर्मेटरी डेटा एनालिसिस में आपके पास एक हाइपोथेसिस मौजूद है क्योंकि आपने पहले एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस किया हुआ है, आपको पता है कि आपको आइडिया है कि हो सकता है इसमें इतने स्ट्रक्चर्स हों, यानी इतने फैक्टर्स हों। अब देन आप कंफर्म करने के लिए कि आया वाकई ये फैक्टर्स, ये इसमें थीम्स मौजूद हैं, उसके लिए आप कंफर्मेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं। देन जैसे मैंने अभी बताया कि डिस्क्रिप्टिव डेटा जो होता है कि जितनी भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हमारे पास, जो नंबर्स की फॉर्म में डेटा हमारे पास है, उसको एक प्रॉपर फॉर्म में, एक अरेंज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उसको डिस्क्राइब करना, उसकी वजाहत करना। इन्फरेंशियल डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स आप यूँ भी कह सकते हैं कि पूरी एक पॉपुलेशन है और सारे का डेटा आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी आप उसको आप जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स ये है कि आपके पास पूरी पॉपुलेशन के तो डेटा नहीं है, बल्कि आपके पास पूरी पॉपुलेशन में से चंद लोगों का, जो जिनको आप कंसीडर कर रहे हैं कि वो उस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि आपको, आपके पास उस पॉपुलेशन में से एक सैंपल का डेटा है आपके पास। ठीक है, अब उस सैंपल के डेटा में से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आप वो अप्लाई करना चाह रहे हैं कि हाउ दे अप्लाई टू द होल पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स। देन कमिंग टूवर्ड्स के मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट असल में ये होता है कि आप लोगों की या इवेंट्स की या सिचुएशंस की आप खसूसियात मैयर करना चाह रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मैयर करना चाह रहे हैं, तो वो मैयर करने के लिए आप जो है वो उन्हें एक नंबर असाइन करते हैं। ठीक है, मसलन कोई लोग हैं, उनका आप क्या कौन सा कैरेक्टर, डिप्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक मैयर करना चाह रहे हैं, तो आपने एक क्वेश्चनर अप्लाई किया और उसके बाद उसको एक नंबर दे दिया, यानी कि 24 स्कोर है आपका, 23 स्कोर है। ठीक है, तो ये हो गए मेजरमेंट। और ये जो नंबर दिए जाते हैं ये हमेशा कुछ ना कुछ रूल्स के तहत दिए जाते हैं। किसी भी चीज का हमने मैग्नीट्यूड, यानी कोई चीज कितनी ज्यादा किसी के अंदर मौजूद है, वो मैयर करने के लिए हम हमेशा जो है वो कुछ रूल्स को हम फॉलो करते हैं। और जब भी कोई मेजरमेंट की जाती है तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ एलिमेंट एरर का होता है। कोई भी मेजरमेंट हम ये नहीं कह सकते कि 100% जो है वो करेक्ट है। जैसे एक स्केल है, एक रूलर है, उससे आपने एक समझ लें पेंसिल की लेंथ मैयर की है, तो अगर वो 12.5
सेंटीमीटर आपने लिखी कि 12.5 सेंटीमीटर, बट हो सकता है 12.6 हो, 12.7 हो, 12.55 हो, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। असल जो मेजरमेंट दी होती है उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रिजल्ट होते हैं ड्यू टू द एलिमेंट ऑफ एरर, और इस एरर के कई सोर्सेज हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि हम डिप्रेशन मेजर कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल का, तो हो सकता है कि वो इंडिविजुअल का स्कोर बहुत हाई आया है डिप्रेशन का, तो हो सकता है उस वक्त जब वो टेस्ट दे रहा था उस वक्त उसका मूड अच्छा नहीं था, ये एक फैक्टर हो सकता है एरर का। या एक फैक्टर ये हो सकता है कि वो फेकिंग कर रहा है, ठीक है, जानबूझकर, उसको मिलिंगरिंग जिसको कहते हैं, कि कोई रिवॉर्ड उसको नजर आ रहा है कि अगर मैंने आपको अपने आप को डिप्रेस्ड शो किया तो उसका मुझे कोई फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये इन सारे एलिमेंट्स की वजह से जो है वो एरर इंक्लूड हो जाती है मेजरमेंट्स में हमेशा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्केल्स इस्तेमाल हो करते हैं मेजरमेंट के लिए, वो जरा हम आगे देखते हैं। उससे पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स कौन से होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स कौन से होते हैं। ओके, जो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल एक ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू चेंज होती है या वेरी करती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। जैसे डिप्रेशन है, इंटेलिजेंस है, एंजाइटी है, हाइट है, वेट है, स्किन कलर है, जो भी, ये सारी चीजें क्या है, ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। एक बंदे से दूसरे बंदे में इसकी वैल्यू मुख्तलिफ होती है, इसीलिए ये बदलता है, इसीलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है। अब कुछ वेरिएबल्स होते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स और कुछ वेरिएबल्स होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स। डिस्क्रीट वेरिएबल्स पहले समझ लें, ये वो होते हैं जिनकी सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। जैसे जेंडर पूछा जाता है, जेंडर भी एक वेरिएबल है, इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो मेल या फीमेल, ठीक है। इन मोस्ट केसेस यही दो कैटेगरीज रखी जाती हैं स्केल्स में। उसके बाद जी इसी तरह कुछ चीजें जब पूछी जाती हैं कि आप जो है वो आपका एग्जाम का स्टेटस या रिजल्ट का स्टेटस क्या आया, पास या फेल, ठीक है, दो दो वैल्यूज हो सकती हैं इसकी। इनको कहा जाता है डिस्क्रीट वेरिएबल्स, और इन डिस्क्रीट वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए जो स्केल्स इस्तेमाल होते हैं उनको नॉमिनल स्केल्स भी इस्तेमाल होते हैं और ऑर्डिनल स्केल्स भी इस्तेमाल होते हैं। इन ये क्या होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल रेशियो स्केल, इनको हम जरा आगे जाकर डिस्कस करते हैं। यहाँ आपने ये समझना है कि कुछ वैल्यूज डिस्क्रीट होते हैं, वेरिएबल्स डिस्क्रीट होते हैं जिनकी सिर्फ दो कैटेगरीज हो सकती हैं, स्पेसिफिक कैटेगरीज होती है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन यानी क्या है कि सिर्फ स्पेसिफिक कैटेगरीज होती हैं। जैसे आपने कुछ ग्रॉसरी खरीदी है तो उसमें से ग्रॉसरी जो है वो वेरिएबल है, हर बंदा डिफरेंट खरीद रहा है, लेकिन हर एक की जो है वो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही होंगी, जैसे वेजिटेबल्स एंड ब्रेड, मिल्क, राइस एक्सेट्रा, ठीक है, यही कैटेगरीज होंगी। कॉन्टिन्यूस स्केल, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी लातादाद वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक हो गया। डिप्रेशन, इंटेलिजेंस, एंग्जाइटी, इन सारी चीज़ों का की वैल्यूज जो है वो हर एक इंडिविजुअल में उसका लेवल जो है वो हो सकता है कि मुख्तलिफ आए, ठीक है, मुख्तलिफ वैल्यू आ सकती है, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है। अब इस कॉन्टिन्यूस स्केल को, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए इंटरवल और रेशियो स्केल्स का इस्तेमाल होता है, हमेशा इसमें एरर का एलिमेंट होता है। जैसे ऊपर मैंने आपको मिसाल दी थी कि डिप्रेशन को मेजर करने में किस तरह से एरर आ सकता है, यहाँ वही बात दोहराई गई है कि बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से एरर का एलिमेंट आ सकता है मेजरमेंट में। उसके बाद हमारे पास है कि स्केल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। कोई भी स्केल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। जैसे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से मुराद है कि कितना ज्यादा कोई चीज किसी के अंदर मौजूद है, ठीक है, यानी कितनी ज्यादा अमाउंट, कितनी ज्यादा मिकदार में कोई चीज किसी के अंदर मौजूद है, आया वो दूसरों से ज्यादा है, कम है या उनके बराबर है। इक्वल इंटरवल्स में क्या होता है कि किसी भी स्केल में दो पॉइंट्स के दरमियान या दो यूनिट्स के दरमियान अगर बराबर फासला है तो वो इक्वल इंटरवल्स कहलाता है, ठीक है। मसलन कि आप हम देखते हैं कि स्केल जो हम मेजर कर रहे हैं ना, ये जो रूलर होता है, इसमें 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के दरमियान भी उतना ही गैप है जितना 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के दरमियान है।
ठीक है, तो ये इक्वल इंटरवल्स वाला स्केल है। उसके बाद साइकोलॉजी में जो स्केल्स इस्तेमाल होते हैं असल में थ्योरेटिकली जो है वो उनको कहा तो थ्योरेटिकली तो वो ऑर्डिनल होते हैं, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम उनको एज एन इंटरवल स्केल ट्रीट करते हैं। ये बात दोबारा जाकर मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ठीक है। अगर किसी स्केल में इक्वल इंटरवल्स हैं तो उस स्केल की मदद से आप जिस प्रॉपर्टी को मेजर कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा वो स्केल से मेजर करते हुए जितनी ज़्यादा उसकी वैल्यू आती जाती है, इसका मतलब होता है कि उतनी ज़्यादा वो प्रॉपर्टी किसी इंडिविजुअल के अंदर मौजूद है। मसलन आप इंटेलिजेंस मेजर कर रहे हैं तो एक इंडिविजुअल का 90 स्कोर आया है और एक इंडिविजुअल का जो है वो 100 एंड एक का 90 है और एक का 100 है और एक का 110 है। तो हम कहेंगे कि जिसका 100 है उसका जी 10 टाइम्स ज़्यादा है 90 वाले से, और जिसका 110 है उसका 20 टाइम्स ज़्यादा है 90 से, क्योंकि हम ये मैं अज्यूम कर रहे हैं कि देयर आर इक्वल इंटरवल्स, ठीक है। तो अब हम इस इंटेलिजेंस को जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की मदद से ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन में शो कर सकते हैं। वी विल एक्सप्लेन दिस इक्वेशन लेटर ऑन इन डिटेल। अच्छा जी, उसके अलावा एब्सोल्यूट ज़ीरो, अब हम ये भी देखते हैं कि हमारा स्केल एब्सोल्यूट ज़ीरो मेजर कर रहा है या नहीं, या हमारे स्केल में जो ज़ीरो वैल्यू है आया वो ट्रू ज़ीरो है या नहीं है। मसलन आपका स्केल जो है वो मेजर कर रहा है कि आपने हमारा टेस्ट है जो कि मेजर करता है योर स्पीड ऑफ सॉल्विंग अ पजल, ठीक है। तो अब इसमें अगर किसी की स्पीड ज़ीरो आती है तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ टाइम तो हर एक इंडिविजुअल लेगा उस पजल को सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये वाला जो क्वेश्चनर होगा उसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो की प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि जो नॉमिनल स्केल, इंटरवल स्केल, ऑर्डिनल इंटरवल एंड रेशियो स्केल हैं, इनमें से कौन कौन से के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है। वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो।